नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लोक भवन में बैठक जारी। विधायक दल के नेता पर लगेगी मुहर। पर्यवेक्षक अमित शाह बैठक में मौजूद। पर्यवेक्षक रघुवर दास भी मौजूद। लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास भी इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया है। योगी आदित्यनाथ का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। प्रस्ताव के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 273 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की अगुवाई में ये बैठक हो रही है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज सबसे अहम बैठक हो रही है। कई बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का नाम तय है और जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उससे पहले आज की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है, अहम बैठक, वो हो रही है। केंद्र पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास भी इस बैठक में मौजूद है। बता दें कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नाम को निश्चित माना जा रहा है कि उन्हीं के नाम पे मुहर लगने वाली है और अब बाकी की कार्यवाही भी पूरी होगी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल, इस वक्त हम लोक भवन में मौजूद हैं और यही वो रास्ता है जहां से लगातार विधायकों का जो आने जाने का सिलसिला है वो चल रहा है। और अब हम आपको अंदर ले चलेंगे क्योंकि अब तक अगर बताया जाए तो ज्यादातर जो विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ज्यादातर जो नेता हैं वो आ चुके हैं और कईयों से हमारी बात हुई है और लगभग सभी का कहना है कि सब निर्णय जो है वो पहले से हो चुके हैं। विधायक दल के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव होना है और अब ये देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लग गया है कि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं और अब इस कॉरिडोर को भी खाली कराया जा रहा है। सामने वो डेस्क बनी हुई थी जहाँ पर जो विधायकों का रजिस्ट्रेशन था, वो विधायकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ज्यादातर विधायक जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह हो गए, महेंद्र सिंह हो गए, नंद गोपाल नंदी हो गए, जितने भी सीनियर लीडर बीजेपी के हैं सबसे हमारी बात हुई और लगभग सभी यही बात कह रहे हैं कि जनता ने हमें इस बार उत्तर प्रदेश में जीत दिलाई है और एक बार फिर से हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए तैयार हैं। तो लगातार जो रणनीतियां वो बीजेपी ने पहले ही तय की थी और उसी रणनीति पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आई है और देखने को मिलेगा कि क्योंकि जो संगठन के नेता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अमित शाह आने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, जीते हुए जितने भी विधायक हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार उनका जो आने का सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है। तमाम विधायकों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है और अब इस कॉरिडोर को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी सूचना है कि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद यहाँ से चलते हुए बाहर की तरफ आएंगे। बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा लगी है उस पर माल्यार्पण भी करेंगे वो और उसके बाद इसी कॉरिडोर से वो अंदर आएंगे। देखिए, तैयारियों का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कॉरिडोर से जब अंदर आएंगे उसके बाद अंदर सभागार में जाकर के वहाँ पर जो विधायक दल की जो बैठक है उस बैठक में वो शिरकत करेंगे और आज उन्हें नेता चुना जाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग इस वक्त चल रही है। जितने विधायक हैं वो आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद अमित शाह जब आएंगे तो औपचारिक रूप से जो ऐलान है वो भी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। देखने को मिल रही है, अब कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ भी आ जाएंगे और जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो राजभवन पहुंच के योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 273 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपेंगे। नितिन,
हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर विधायक भी आए हुए हैं यहाँ पर शिखा, इसके अलावा जो MLC हैं वो भी आए हुए हैं, AK शर्मा जैसे बड़े नाम भी आए हैं, असीम अरुण आए थे उनसे भी हमारी बात हुई है, ब्रजेश पाठक आए हैं उनसे भी अभी हमारी बात हुई है, कई ऐसे नाम भी आए हैं जिनका नाम मंत्रिमंडल के लिए भी चल रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं या फिर डिप्टी CM बन सकते हैं, उनका वो ऐसे नाम भी आए हैं। और जब उनसे बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जनता का भरोसा जीत करके आए हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, आज नेता चुना जाएगा और उसके बाद कल शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल अभी ये जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर को खाली करा करके यहाँ पर जो रास्ता है वो बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और जो बाकी के जितने भी जो गेस्ट हैं वो इस कार्यक्रम में जो नेता हैं वो जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो सब आने की प्रक्रिया इसी रास्ते से होने वाली है। फिलहाल आप देखिए कि बिल्कुल जो विधायक हैं उनका आने जाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है और बड़े बड़े नाम, कई सारे बड़े नाम आ चुके हैं। सुरेश खन्ना इस वक्त आ रहे हैं सामने की तरफ, पिछली बार उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री का अपना पदभार जो था वो संभाला हुआ था और इस बार अगर देखा जाए तो सुरेश खन्ना के नाम पर मोहर लग सकती है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश के स्पीकर बनेंगे। तो सुरेश खन्ना इस वक्त बिल्कुल सामने की तरफ आए हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि सुरेश खन्ना से बात करी जाए। सुरेश खन्ना, सतीश महाना, बिल्कुल आप देखिए सुरेश खन्ना, सतीश महाना, सर 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 सुरेश खन्ना, सतीश महाना जो बड़े नाम है वो सब अब लोक भवन में आ चुके हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो अब आगे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। शिखा जी, तो धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो क्या वो भी पहुंच चुके हैं नितिन? देखिए वो अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान की बात करी जाए या फिर अमित शाह की बात की जाए, वो जो क्योंकि अभी अभी जो सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे और एयरपोर्ट से लेकर के वो अब उन्हें लोकभवन की तरफ आएंगे, लोकभवन आएंगे और यहाँ पर जो बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी के जो गठबंधन के जितने भी सहयोग दल थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें संजय निषाद और उनके जीते हुए विधायक हैं, जिसमें अपना दल एस से जीते हुए जितने भी विधायक हैं वो सब आए हुए हैं और सबका एक ही मत है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से हमने चुनाव लड़ा है बीजेपी के साथ मिलकर के और इस बार बेहतर तरीके से एक बार फिर से 5 साल का जो कार्यकाल है वो हम आगे की तरफ अब बढ़ाते हुए नजर आएंगे और आज विधायक दल का नेता चुनना है। कुछ का जरूर इस बात पर अभी संशय बना हुआ है कि कौन वो मंत्रिमंडल में शामिल नाम होंगे या नहीं होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी इस बात को पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि विधायक दल के नेता के रूप में हम किसे चुनने वाले हैं, लेकिन हाँ ये एक औपचारिक घोषणा जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता हैं और वही आगे आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। जी, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके कामों को बदला जा सकता है, जिनके पदभार को बदला जा सकता है नितिन? देखिए अभी ये कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल है कि कौन से वो बड़े नाम हैं जिन पर विचार विमर्श या चर्चाएं चल रही हैं, और क्योंकि अब थोड़ी देर का ही समय बचा हुआ है, कल ये लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा शपथ ग्रहण के बाद कि कौन मंत्री हैं, किसको उत्तर प्रदेश में जगह बनाई दी जाएगी मंत्रिमंडल में या फिर कौन सा विभाग दिया जाएगा, वो सब लगभग कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो अभी जो विधायक दल की बैठक है उस बैठक में जो जितने भी गठबंधन से लेकर के बीजेपी के जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो लगभग आ चुके हैं, MLC आ चुके हैं और सबके बीच में बैठ के चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा शिखा कि वो समय भी आ चुका है क्योंकि कई और बड़े सीनियर लीडर जो हैं बीजेपी के जो पिछली बार सरकार में थे जीत कर विधायक बने हुए हैं वो भी अब आ चुके हैं, वो भी लगातार उनका जो आने का सिलसिला है वो भी चल रहा है। जी नितिन, 4 बजे बैठक शुरू होनी थी, 4 बज चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, वो चाहे CM योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, अभी पहुंचे नहीं है, तो क्या लग रहा है कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए लगभग विधायकों की बात करी जाए तो लगभग विधायक इस बैठक में शामिल हो चुके हैं, आ चुके हैं वो लोक भवन, कुछ विधायक जो हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है वो सेट हो चुका है, कॉरिडोर खाली करा दिया जा चुका है और अब बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जो बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह आएंगे, वो सब यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो बैठक का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा और यहाँ से अपने नेता को चुनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रक्रिया पर भी अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। नितिन, कितनी देर तक चल सकती है ये
बैठक, क्योंकि एक ये बड़ा मुद्दा है, आज ये बड़ा दिन है, इसमें कई बड़ी चर्चाएं होनी है और कई बड़े नेताओं के नाम पे मुहर लगनी है, तो कितनी देर तक चल सकती है ये बैठक? आप मुझे सुन पा रहे हैं नितिन? वहां संपर्क टूट गया है संवाददाता से, तो आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं और ऐसे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो कि अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कल, उनके आने का इंतजार हो रहा है और कुछ ही ऐसे विधायक हैं जो कि अभी पहुंचे नहीं हो, उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है और कुछ ही देर में अब बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि जो प्रस्ताव है उसके बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठक को संबोधित भी करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो विधायक दल का नेता चुना जाना तय है, एकदम तय ही माना जा रहा है क्योंकि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि इस बार पहली बार योगी आदित्यनाथ ने विधायक बने हैं, विधायक का चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ा, वो विधायक बने, तो पहली बार विधायक बने हैं और अब वो विधायक दल के नेता भी वही चुने जाएंगे। प्रस्ताव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ही संबोधित करेंगे बैठक को और इसके बाद सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 273 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे, हालांकि वो अभी पहुंचे नहीं है। वहीं कई विधायकों के पहुंचने का दौर लगातार जारी है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी की नजरें सिर्फ उस वक्त पर है जब योगी आदित्यनाथ आएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कई बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं, तो वहीं साथ ही साथ सभी विधायक, लगभग सभी विधायक भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ, लगातार संवाददाता जुड़े हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि इस बैठक में कौन कौन आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, खबर देवरिया से है जहां पर बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहेपा मंदिर के पास दान पेटी की रकम को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दान पेटी तोड़ते हुए और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर पर सेवा दे रहे महंत छठ महाराज का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग दान पेटी तोड़कर दान की पूरी रकम लूट कर जा चुके हैं, जिसका विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मंदिर हड़पने के लिए तमाम तरह के हथकंडा कई महीनों से प्रताड़ित, हर 15 दिन पे दान पेटियां तोड़कर एक गुट गोल बंधी बनाकर बोरे में कसके और हथौड़ी छिन्नी से तोड़ के घर उठा ले जा रहे हैं लोग। ये लोग इकट्ठा होकर सब लोग एक जमावड़ा होकर कुछ लोग बाहरी बुलाकर, उसमें गुड्डू सिंह है उर्फ जनार्दन सिंह, राम नारायण सिंह है छोटे सिंह और उनके पूरे परिवार, तमाम लोगों को इकट्ठा करके रमेश्वर सिंह है, बटोही सिंह है, यशवंत सिंह है, पूरे हमारे परिवार को धावा बोल के घर में से खींच के मारे पीटे लोग और मंदिर का दान पेटी तोड़कर बोरा में करके सारी पैसा उठा ले गए लोग। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से दान पेटी को तोड़ा गया है और उसके बाद उसमें जो रकम थी उसको चोरी कर लिया गया और दो पक्षों के बीच जमकर विवाद भी हुआ है और विरोध करने पर दो पक्षों में मारपीट भी हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पूरी तस्वीरें वायरल हुई हैं और ये मारपीट की तस्वीर देख रहे हैं आप किस तरह से दो पक्षों में मारपीट भी हुई है दान की रकम को लेकर। तो वही महंत द्वारा जब शिकायत दर्ज कराई गई तो इसमें सैकड़ों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से दान पेटी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ के निकाला गया है। तो वहीं महंत के साथ भी मारपीट की गई है, बदमाशों ने दान पेटी तोड़कर नकदी निकाल ली है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से नकदी निकाली हुई है और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? शिखा, आपको बता दें कि लाही पार में जो बरियारपुर थाना क्षेत्र में आता है वहां दान पेटिका को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठियां डंडे चली और ईंट पत्थर चली और काफी देर
के बाद पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंची और मामला गंभीर देखते हुए थाना प्रभारी ने एक पक्षीय अभी तहरीर मिलने के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, तो इसमें पंडित द्वारा पुजारी द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, जब ये चोरी हो रही थी तो वो कहां थे? जी, आपको बता दें कि छठू महंत छठू ने बताया कि यह दान पेटिका को लेकर मारपीट हुई है और हमारे दान पेटिका से पैसा निकाला गया है, जिसको लेकर लोग उग्र होकर और दर्जनों की संख्या में लाठी डंडा बरसाने लगे और हमको मारा पीटा गया और हमारे परिवार वाले को मारा पीटा गया और थाना प्रभारी ने एक पक्षीय कार्रवाई कर दी है और अभी तक थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर मिलने के अनुसार द्वितीय पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े हुए थे देवरिया से। देवरिया में ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है, जहां पहले तो ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव अपने साथियों के साथ कुशीनगर एयरपोर्ट पर तैनात रहे, तो वहीं दीवान दयाशंकर प्रसाद के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए, जिसमें घर में मौजूद महिलाओं ने छिपकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद प्रधान जितेंद्र यादव ने दीवान का कॉलर पकड़ा और गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दीवान को कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद दबंग ग्राम प्रधान बिना किसी आदेश के पीड़ित दयाशंकर की घर की दीवार भी गिरा दी गई। तो दीवान को जान से मारने की धमकी दी गई है और आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है और इतने सबके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है दीवार के ऊपर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार गिराई गई है। देवरिया में से ये खबर सामने आई, जहां पे ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली। इस खबर पे भी हमारे साथ बातचीत के लिए देवरिया से संवाददाता रवि रावत जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरह से प्रधान की दबंगई देखने को मिली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि 12 फीट के रोड के लिए ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को सामने आई और आप तस्वीर में देख सकती हैं कि ग्राम प्रधान के सहयोगियों द्वारा ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं और वहां के जो दीवार है उसको गिराया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो दीवान है जो कुशीनगर में पोस्टेड है, दीवान के पोस्ट पे है और वो वर्दी में दिखाई दे रहा है, जिससे दीवान प्रधान के कुछ सहयोगियों द्वारा कालर पकड़कर दीवान को धक्का मुक्की किया जा रहा है और दीवान को गाली गुप्ता दिया जा रहा है। जी, कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी भी दी गई है, इसके बाद भी क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई? सोशल मीडिया पर अभी वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी, आपको बता दें कि वीडियो तेजी से काफी वायरल हो रहा है, वायरल होने के बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और परिजनों का आरोप है कि हम थाने का रोज चक्कर काट रहे हैं लेकिन प्रशासन ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से। तो ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है और जिस तरह की दबंगई देखने को मिली है, तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। देश में कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इस दौरान 67 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है। राहत की बात है कि कोरोना के एक्टिव मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2531 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस भी घटकर 22,427 हो गए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को 31 मार्च से सभी कोविड पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। 2 साल बाद सरकार ने कोविड पाबंदियां खत्म की हैं। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि एक्टिव केसों में कमी आई है और जो एक्टिव मामले हैं उसमें कमी आई है और रिकवरी भी तेजी से होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 67 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर जो अपडेट जारी किया,
तो वहीं राहत की बात है कि कोरोना के एक्टिव मामले लगातार घट रहे हैं और 24 घंटे में कोरोना के 2531 लोग ठीक हुए, यानी कि 2531 लोगों की रिकवरी हुई है। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर अब 22,427 हो गए हैं। लगातार एक्टिव केस घट रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को 31 मार्च के सभी कोविड पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया है, यानी कि जितनी भी कोरोना संबंधित पाबंदियां थी उन्हें खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि फेस मास्क लगाना अभी जरूरी ही रहेगा। 2 साल बाद सरकार ने कोविड पाबंदियां खत्म की है। 67 लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, जो बात करें सिखा, तो देश भर में मामले कहीं ना कहीं एशियन देश में बढ़ते जा रहे हैं। एक नया वेरिएंट BA.2 आया है, जिससे चाइना के हांगकांग समेत जो आसपास के जो एशियन देश है वहां पे कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ते आ रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 31 मार्च से पाबंदियां कम की जा रही है और 2 गज दूरी और मास्क का जो नियम है कि हर मास्क लगाकर जाना है वो कहीं ना कहीं लागू रहेगा। वहीं अगर बात करें तो अगर पिछले 24 घंटे में तो 1938 मामले आए हैं, और वहीं अगर देश भर में बात की जाए तो 22,274 मामले एक्टिव हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो ये जो है इस देशों में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 90% लोगों को अब तक कोविड के दोनों डोज लग गए हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि दोनों डोज लगने के 6 महीने भीतर तक कोरोना से कहीं ना कहीं कोरोना से आदमी बच सकेगा। वहीं आपको सीरो सर्वे के मुताबिक बताए तो 96% जो पॉपुलेशन है भारत की, तो सीरो सर्वे के मुताबिक लगभग 85% जनता को भारत के कोरोना हो चुका है। और वहीं अगर देखा जाए तो चाइना में अगर बात की जाए तो 10 लाख मामले अभी एक्टिव हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 1 महीने में 7 लाख मामले आए हैं। और वहीं 31 मार्च से सभी कोविड पाबंदियों को खत्म करने का सरकार ने ऐलान कर दिया, तो कौन कौन सी पाबंदियां खत्म होंगी? हालांकि मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य रहेगा। जी, अगर बात करें तो पाबंदियों की, तो जैसे जिम में आपके 50% लोगों के साथ खोलने के आदेश आए थे, और आपके वाटर पार्क समेत ऐसे तमाम जो सामाजिक स्थल हैं उन पे से प्रतिबंध हटते हुए दिखते हुए नजर आ रहा है 31 मार्च को। वहीं अगर बात करें तो जो ऐसे जगह हैं जो वहां पे सामाजिक स्थल, वहां पे मास्क को अभी भी लागू रखा गया है कि मास्क लगाना जरूरी है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी भी वही नियम रहेंगे। वहीं 31 मार्च को इस पे फैसले आने हैं कि आखिर आगे की क्या तैयारी रहेगी। मगर अगर एशियन देशों की बात की जाए तो एशियन देशों में 15 देश काफी बुरी हालत में है। BA.2 जो नया वेरिएंट आया है उससे कहीं ना कहीं चाइना के सिंग जिनपिंग भी परेशान है, और साथ ही साथ कनाडा समेत तमाम ऐसे एशियन देश हैं जो परेशान हैं। तो भारत पे भी ये कहा जा सकता है कि भारत में भी जल्दी आ सकता है, मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चौथा वेव होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।